नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पौरुष, आप देख रहे हैं मिस्टर फोन हिंदी और ये है पोको X3 प्रो। फाइनली आज हम बात कर सकते हैं इस फोन के बारे में। लॉन्च हुए तो इस फोन को टाइम हो चुका है, लेकिन हाँ आज लिफ्ट हुआ है एम्बार्गो, तो आज हम इस फोन के बारे में आपसे बात कर सकते हैं। 18,999 के स्टार्टिंग प्राइस पर आता है ये फोन। वैसे तो इस फोन में स्नैपड्रैगन 860, UFS 3.1 जैसी कई सारी और चीजें हैं, लेकिन पहले आज हम शुरू करने वाले हैं इस फोन के कैमरा कंपैरिजन के साथ। हमारे पास है इस फोन के सबसे क्लोजेस्ट कंपेटिटर्स, एक तो है नार्जो 30 प्रो। इस फोन की जो प्राइसिंग शुरू होती है वो है 16,999, लेकिन जो इसका दूसरा वेरिएंट है वो 19,999 का आता है। और इसके अलावा जो दूसरा कंपेटिटर है वो है रेडमी नोट 10 प्रो। ये जो वेरिएंट हमारे पास है रेडमी नोट 10 प्रो का, ये 18,999 का है, 8GB रैम, 128GB स्टोरेज। तो आज इस फोन का हम कंपैरिजन करने वाले हैं इन दोनों फोन्स के साथ, बताएंगे आपको कि कौन से फोन का कैमरा किस सिचुएशन में सबसे बढ़िया है, कौन से फोन की इमेज क्वालिटी आपको सबसे अच्छी लग रही है, ये आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और शुरू करते हैं इस कैमरा कंपैरिजन को, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाल सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन पर जरूर टैप कर दें, ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो दोस्तों सबसे पहले बताते हैं आपको तीनों फोन्स के कैमरा स्पेसिफिकेशंस के बारे में, स्टार्टिंग विद द पोको X3 प्रो। यहां पे आपको मिल जाता है 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप, 48 मेगापिक्सल का मेन लेंस, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल मैक्रो एंड 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर। सेल्फी कैमरा इस फोन में आपको मिलता है 20 मेगापिक्सल का। फ्रॉम द रियर कैमरा ऑफ दिस फोन आप 4K 30fps पर वीडियो शूट कर सकते हैं, 4K 60fps का आपको यहां पर ऑप्शन नहीं मिल रहा है। आई थिंक यहाँ पर 4K 60fps का शायद ऑप्शन दिया जा सकता था, बिकॉज Snapdragon 860 इज अ फ्लैगशिप प्रोसेसर, नॉट एग्जैक्टली दी फ्लैगशिप, लेकिन ये Snapdragon 800 सीरीज का प्रोसेसर है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे 4K 60fps इनेबल किया जा सकता था, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। बात करें अगर हम Redmi Note 10 Pro के बारे में, तो इस फोन में आपको मिलता है 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप, 64 मेगापिक्सल का मेन लेंस विद Samsung GW3 सेंसर, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, 5 मेगापिक्सल मैक्रो लेंस एंड 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर। इसके साथ आपको मिल जाता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, और इस फोन के रियर कैमरा से भी आप मैक्सिमम 4K 30fps पर वीडियोस शूट कर सकते हैं। और फाइनली हमारे पास है Narzo 30 Pro। इस फोन में आपको मिलता है 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप, और 48 मेगापिक्सल का मेन लेंस है, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस आपको मिल रहा है, और 16 मेगापिक्सल का इस फोन में भी सेल्फी कैमरा दिया गया है। और गाइज इस फोन से भी आप मैक्सिमम 4K 30fps पर शूट कर पाएंगे। तो तीन प्रो स्मार्टफोन्स हमारे पास हैं, तो चलिए देखते हैं इन तीनों में से किस फोन का कैमरा सबसे ज्यादा प्रो है, एज इन यू गेट द पॉइंट। चलिए शुरू करते हैं इस कैमरा कंपैरिजन को। दोस्तों डेलाइट शॉट से शुरू करते हैं, और यहाँ जूम करने के बाद ऑब्वियसली हमें सबसे बढ़िया शार्पनेस और डिटेल्स रेडमी नोट 10 प्रो पर देखने को मिलेंगी, क्योंकि यहाँ रेडमी नोट 10 प्रो से आप 16 मेगापिक्सल वाली पिक्सल बिंड इमेजेस शूट कर पाएंगे, कंपेयर टू द 12 मेगापिक्सल पिक्सल बिंड इमेजेस ऑन द पोको X3 प्रो एंड द नार्जो 30 प्रो। कलर एक्यूरेसी के मामले में मैं सबसे ऊपर रखूंगा नार्जो 30 प्रो को, उसके बाद पोको X3 प्रो एंड देन रेडमी नोट 10 प्रो। हाई रेजोल्यूशन मोड ऑन करने के बाद कलर डिस्पैरिटी का इशू हमें किसी भी इमेज में देखने को नहीं मिलता, तो वंस अगेन यहाँ कलर एक्यूरेसी नार्जो 30 प्रो पर सबसे बढ़िया है। डिटेल्स की बात करें तो यहाँ पर रेडमी नोट 10 प्रो एक ऑब्वियस लीड लेता है बिकॉज ऑफ द 64 मेगापिक्सल रिजल्ट। सेकेंड पोजिशन पर मैं रखूँगा नार्जो 30 प्रो को, बिकॉज यहाँ पर काफ़ी एरियाज़ में पोको X3 प्रो वाली इमेजेस में ग्रेन्स मौजूद हैं। अल्ट्रा वाइड मोड ऑन करने के बाद हमें रेडमी नोट 10 प्रो पर सबसे ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट मिलता है इन टर्म्स ऑफ कलर रिप्रोडक्शन, और जूम करने के बाद आप नोटिस करेंगे कि शार्पनेस भी यहाँ रेडमी नोट 10 प्रो वाली इमेज में सबसे बढ़िया है। HDR मोड ऑन करने के बाद आप देख सकते हैं कि एक्सपोजर इंप्रूवमेंट डार्क एरियाज में नार्जो 30 प्रो वाली इमेज में सबसे बढ़िया हुआ है। इसके बाद सेकेंड नंबर पर है पोको X3 और थर्ड नंबर पर है रेडमी नोट 10 प्रो। क्लोजअप्स की बात करें तो इस पहले कंपैरिजन में ऑनेस्टली मुझे ज़्यादा कोई खास डिफरेंस तीनों इमेजेस में देखने को नहीं मिला। इस सेकंड कंपैरिजन में आप देख सकते हैं कि इस पिंक फ्लावर को रेडमी नोट 10 प्रो ने थोड़ा सा लाइटर शेड में कैप्चर किया है, जबकि पोको X3 प्रो और नार्जो 30 प्रो ने ऑलमोस्ट ट्रू टू सोर्स कलर्स यहाँ कैप्चर करने की कोशिश करी है। एक और बात यह है कि जूम करने के बाद आप नोटिस करेंगे दैट नार्जो 30 प्रो ने बाकी दोनों फोन्स के कंपैरिजन में इस फ्लावर को बेटर फोकस किया है, यानी कि इस फ्लावर का ज़्यादा एरिया फोकस हुआ है नार्जो 30 प्रो वाली इमेज में।
रेयर पोर्ट्रेट्स की बात करें तो इस फर्स्ट कंपैरिजन में इन टर्म्स ऑफ बैकग्राउंड सेपरेशन मुझे रेडमी नोट 10 प्रो वाली इमेज सबसे बढ़िया लगी। जो बैकग्राउंड सेपरेशन है वो सबसे रिफाइंड और क्लीन निकल कर आया है इस इमेज में, और डिटेल्स भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे बढ़िया है रेडमी नोट 10 प्रो वाली इमेज में। लेकिन कलर एक्यूरेसी दोस्तों यहाँ पोको एक्स 3 प्रो और नार्जो 30 प्रो में काफ़ी बेटर है। मैक्रो शॉट्स के लिए आई विल गो विद द रेडमी नोट 10 प्रो। आई अग्री कि यहाँ पर कलर एक्यूरेसी का थोड़ा सा इशू है, लेकिन बाकी दोनों फ़ोन्स के कंपैरिजन में आपको बेटर डिटेल्स के साथ साथ सब्जेक्ट के ज़्यादा क्लोज जाने का भी ऑप्शन मिल जाता है। पोको X3 प्रो पर कलर एक्यूरेसी बिल्कुल परफेक्ट है, बट अगेन 2 मेगापिक्सल मैक्रो लेंस है, तो यहाँ पर Redmi Note 10 Pro के साथ जाना सबसे बढ़िया रहेगा। Narzo 30 Pro का भी जो 2 मेगापिक्सल कैमरा है वो ठीक ठाक है, इट इज़ नॉट वेरी इंप्रेसिव। लो लाइट कंडीशंस में विदाउट नाइट मोड हमें पोको X3 Pro और Redmi Note 10 Pro पर अच्छे एक्सपोजर लेवल्स देखने को मिलते हैं, लेकिन पोको X3 Pro वाली इमेज में कुछ ज़्यादा ही कूल टोन्स हैं, इसलिए मैं यहाँ पर Redmi Note 10 Pro को चूज़ करूँगा। शार्पनेस और डिटेल्स तो खैर यहाँ तीनों ही इमेजेस में कुछ खास नहीं है। नाइट मोड ऑन करने के बाद पोको X3 Pro और Redmi Note 10 Pro में ज़्यादा डिफरेंस हमें नहीं देखने को मिलता, लेकिन Narzo 30 Pro ने यहाँ एक्सपोजर इम्प्रूव करने की कोशिश करी है। जूम करने के बाद तीनों ही इमेजेस में हमें सॉफ्ट डिटेल्स देखने को मिल जाती हैं, फिर भी एटलीस्ट Redmi Note 10 Pro ने थोड़ी सी कोशिश करी है कि यार थोड़ा बहुत डिटेल्स यहाँ पे हम रिटेन कर ले। आप देख सकते हैं कि Narzo 30 Pro और Poco X3 Pro में काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट डिटेल्स हैं, इनफैक्ट सबसे सॉफ्ट डिटेल्स यहाँ पर Narzo 30 Pro पर हैं। अब बात करते हैं दोस्तों सेल्फीज़ की, तो यहाँ पर विदाउट पोर्ट्रेट मोड मुझे पोको X3 Pro पर फेशियल टोन्स सबसे बढ़िया लगी। Redmi Note 10 Pro ने थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टी रिजल्ट दिया है और Narzo 30 Pro ने मेरे फेस को वाइट करने की कोशिश करी है। फेशियल डिटेल्स यहाँ Redmi Note 10 Pro पर सबसे बढ़िया है, पोको X3 Pro और Narzo 30 Pro पर फेशियल डिटेल्स काफ़ी सिमिलर हैं। पोर्ट्रेट मोड ऑन करने के बाद मुझे पोको X3 Pro पर सब्जेक्ट सेपरेशन सबसे बढ़िया और क्लीन लगा है। मेरे फेस के लेफ्ट बॉटम साइड पर आप देख सकते हैं कि जो मेरी बियर्ड के अराउंड कटआउट है दैट लुक्स मच मोर क्लीनर ऑन द पोको X3 Pro। एंड Note 10 Pro ने यहाँ थोड़ा बहुत ट्राई किया है, लेकिन Narzo 30 Pro ने तो बिल्कुल ही मेरी बियर्ड को यहाँ गायब कर दिया है। और अंत में गाइज लो लाइट सेल्फीज़ के लिए विद नाइट मोड मैं चूज़ करूँगा पोको X3 Pro। आई नो दैट विदाउट नाइट मोड आप कहेंगे कि यार Narzo 30 Pro ने एक्सपोजर को काफ़ी अच्छे से यहाँ पर मेंटेन किया है, लेकिन यार मैंने ये नहीं कहा था ना कि मेरे फेस को पिंक कर दो। सो यस, विदाउट नाइट मोड तो मुझे कोई भी इमेज पसंद नहीं आई, लेकिन हाँ नाइट मोड वाली जो इमेजेस हैं, नाइट मोड सेल्फीज हैं, वो मैं चूज़ करूँगा पोको X3 Pro की। दोस्तों मैं शूट कर रहा हूँ 1080p 30fps ऑन द पोको X3 Pro। आप मुझे बताइए कॉमेंट्स में कि कैसी लग रही है आपको वीडियो क्वालिटी, स्टेबलाइजेशन आपको यहाँ पर कैसा लग रहा है। स्टेबलाइजेशन इज़ गुड, काफ़ी बढ़िया है मेरे हिसाब से। बाकी आप मुझे बताइए कि ऑडियो क्वालिटी कैसी है। ऑल राइट, मैं एक बार यहाँ पे थोड़ा सा पैन करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, अगर आप क्विकली पैन करते हैं तो यहाँ पे आपको कोई जिटर या लैग या फ्रेम ड्रॉप कुछ ऐसा नहीं दिख रहा। थोड़ा सा आपको डायनामिक रेंज का आइडिया मैं दे देता हूँ। ओके, स्टेबलाइजेशन मुझे यहाँ पर काफ़ी अच्छा लगा। बाकी ऑडियो क्वालिटी कैसी है, फुटेज क्वालिटी कैसी है बाकी दोनों फोन्स के कंपैरिजन में, ये आप मुझे ज़रूर बताइए। दोस्तों मैं शूट कर रहा हूँ 1080p 30fps ऑन द पोको X3 Pro, और यार फुटेज तो काफ़ी स्टेबल लग रही है मुझे, फुटेज तो काफ़ी स्टेबल लग रही है। और पिक्चर क्वालिटी, सॉरी वीडियो क्वालिटी कैसी आ रही है ये आप मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताइए। ऑडियो कैसा आ रहा है ये भी आप मुझे बताइए। बट स्टेबलाइजेशन यार बाय डिफ़ॉल्ट काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे जो बैकग्राउंड है वो भी ब्लोन आउट नहीं हो रहा है, ये भी अच्छी बात है। पैनिंग भी यहाँ पर स्मूथ लग रही है। लेट मी नो इन द कमेंट्स बाकी फ़ोन्स के कंपैरिजन में कैसी लग रही है आपको पोको X3 की वीडियो क्वालिटी। स्टेबलाइजेशन तो अच्छा है। दोस्तों अब मैं शूट कर रहा हूँ 1080p 30fps ऑन द Redmi Note 10 Pro। बाकी दोनों फ़ोन्स के कंपैरिजन में कैसी लग रही है आपको ये वीडियो क्वालिटी, ये मुझे कमेंट्स में आप ज़रूर बताइएगा। और तीनों ही फ़ोन्स में आप 4K 30fps पर वीडियोस शूट कर सकते हैं, अच्छी बात है। बट आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि एटलीस्ट आपको 4K 60 का ऑप्शन मिल जाएगा ऑन द पोको X3 Pro, बट ऐसा नहीं हुआ। थोड़ा सा डायनामिक रेंज का मैं आपको आइडिया दे देता हूँ।
पैनिंग यहाँ पर स्मूथ है, कहीं पर भी कोई फ्रेम ड्रॉप नहीं है, सो या दिस इज़ गुड। और मुझे आप बताइए कमेंट्स में कैसी लग रही है आपको फुटेज, ऑडियो कैसी आ रही है। दोस्तों मैं शूट कर रहा हूँ 1080p 30fps ऑन द Redmi Note 10 Pro फ्रॉम द फ्रंट कैमरा, और आप मुझे बताइए कैसी लग रही है आपको फुटेज क्वालिटी। यहाँ पे आई थिंक पोको X3 Pro और इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बाकी आप मुझे बताइएगा। स्टेबलाइजेशन अच्छा है, डिसेंट, और पैन करते समय ये एक अजीब सा इफ़ेक्ट आ रहा है मेरे फेस पर, ये आप नोटिस कर रहे हैं, ये आ रहा है यहाँ पर। सो एनीवेज ये एक प्रॉब्लम है इसमें, ये मेरे फेस पर एक अजीब सा इफ़ेक्ट आ रहा है, आप ये नोटिस करिए, आई डोंट नो व्हाट इज़ दैट, बट हाँ। सो ओके, मेरे हिसाब से तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, बट या ओके गाइस, तो फाइनली अब हम शूट कर रहे हैं नार्जो 30 प्रो पर 1080p 30fps। इस फ़ोन से भी आप 4K वीडियोस शूट कर सकते हैं। स्टेबलाइजेशन यहाँ पे मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन कलर्स मुझे यहाँ थोड़ा सा ऑरेंज टिंट जैसा कुछ लग रहा है यहाँ पर। आप मुझे बताइए बाकी दोनों के कंपैरिजन में कैसी लग रही है आपको वीडियो क्वालिटी। मैं आपको एक बार पैन करके यहाँ पर दिखा देता हूँ, पैन्स और टिल्ट्स तो खैर स्मूथ लग रहे हैं मुझे यहाँ पर। डायनामिक रेंज का आपको एक बार आइडिया दे देता हूँ, ओके एक मिनट, ये फुटेज टिल्ट क्यों हो रही है? ये अभी मैंने चीज़ नोटिस करी थी ऑन द Redmi Note 10 Pro फ्रंट कैमरा में, मैंने ये चीज़ नोटिस करी थी। आई होप आप ये चीज़ यहाँ नोटिस कर पा रहे होंगे कि ये टिल्ट हो रही है फुटेज, यहाँ पे जो आर्टिफैक्ट्स हैं वो टिल्ट हो रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट इज़ दैट इशू, बट आई होप ये सॉफ्टवेयर अपडेट से रिजॉल्व हो जाएगा। स्टेबलाइजेशन और कलर्स कैसे लग रहे हैं आपको, ये आप मुझे कॉमेंट्स में बताइएगा। तो दोस्तों अब हम फाइनली शूट कर रहे हैं 1080p 30fps ऑन द नार्जो 30 प्रो फ्रंट कैमरा से मैं शूट कर रहा हूँ। स्टेबलाइजेशन यहाँ पे उतना अच्छा नहीं है, फुटेज थोड़ी सी ब्लोन आउट मुझे लग रही है बाकी दोनों फ़ोन्स के कंपैरिजन में। लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाट आर योर थॉट्स, फिर मैं हटा ही लेता हूँ। हाँ, ये देख रहे हैं आप, ब्लोन आउट हो रखा है ये, यहाँ पे एक्सपोजर को ठीक से बैलेंस नहीं कर पा रहा है। फेस यहाँ पे मेरा अच्छा नहीं आ रहा, काफ़ी ब्लोन आउट लग रहा है। चलो, तो आई थिंक बाकी दोनों फ़ोन्स में ज़्यादा अच्छी वीडियो क्वालिटी है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ब्लोन आउट हो रहा है। अच्छा, एक बार ये चेक कर लूँ कि मेरे फेस में वो अजीब सा इफ़ेक्ट तो नहीं आ रहा है। ठीक है, पैनिंग तो यहाँ पर स्मूथ है, और मेरे फेस पर वो एक अजीब सा इफ़ेक्ट जो आ रहा था Redmi Note 10 Pro में, वो नहीं मुझे यहाँ दिख रहा है। सो या लेट मी नो इन द कॉमेंट्स। तो गाइज़ ये था कैमरा कंपैरिजन इन तीनों फ़ोन्स का। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ पोको X3 Pro के बारे में, तो यहाँ पर मुझे इस फ़ोन से जो डे लाइट इमेजेस निकल कर आई हैं वो काफ़ी अच्छी लगी, स्पेशली बिकॉज यहाँ पर आपको ट्रू टू सोर्स कलर्स देखने को मिलते हैं, ऑलमोस्ट ट्रू टू सोर्स कलर्स देखने को मिलते हैं। एक आध जगह थोड़ा सा यहाँ पे सैचुरेशन बढ़ जाता है, ट्रू टू सोर्स कलर्स नहीं होते, लेकिन इसके अलावा आपको शार्पनेस और डिटेल्स यहाँ पर डिसेंट मिल जाती है। 48 मेगापिक्सल वाली जो इमेजेस हैं वो मुझे उतनी कुछ खास नहीं लगी, क्योंकि उनमें उतनी अच्छी डिटेल्स या शार्पनेस नहीं है जैसा कि हम एक 48MP इमेज से एक्सपेक्ट करते हैं। इसके अलावा जो लो लाइट फोटोज हैं वो भी ठीक ठाक निकल कर आती हैं यहाँ पर। अगर आप बिल्कुल डिम लाइटिंग में फोटोज लेंगे तो आपको नाइट मोड से थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। सेल्फीज यहाँ पे इस फोन की मुझे पसंद आई है, क्योंकि स्किन टोन्स यहाँ पे अच्छी कैप्चर होती है। फेशियल डिटेल्स उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फेशियल टोन्स यहाँ पर बढ़िया कैप्चर होती हैं। और अगर मैं अब बात करूं नार्जो 30 प्रो के बारे में, तो यार इस फोन से जो इमेजेस निकल कर आई हैं वो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई, बिकॉज ऑफ एब्सोल्युटली एक्यूरेट कलर रिप्रोडक्शन,
और यहाँ पे जो डिटेल्स और शार्पनेस है वो पोको एक्स थ्री प्रो से थोड़ी सी बेटर है। सेल्फीज मुझे अच्छी नहीं लगी डे लाइट कंडीशंस में, खासकर जो सेल्फीज आई वो मुझे उतनी पसंद नहीं आई। लो लाइटिंग कंडीशंस के लिए इसका कैमरा उतना अच्छा नहीं है। और मैं बात करूँ यहाँ पे रेडमी नोट 10 प्रो की, तो यार सबसे पहले इस फोन का जो मैक्रो कैमरा है दैट इज वेरी गुड। मतलब अगर आप मैक्रो फोटोज खींचना पसंद करते हैं तो डेफिनेटली इस फोन का मैक्रो कैमरा आपको बहुत पसंद आएगा। मेन कैमरा की बात करूं तो यहां पर आपको ऑलमोस्ट हर सिचुएशन में काफी बढ़िया शार्पनेस और डिटेल्स मिलेंगी, लेकिन कलर्स यहां पर हर बार एक्यूरेट निकल कर नहीं आते। सेल्फीज में वंस अगेन फेशियल डिटेल्स बहुत बढ़िया है, लेकिन फेशियल टोन्स यहां पे उतनी अच्छी नहीं है, थोड़ी सी कॉन्ट्रास्टी सेल्फीज यहां पे आपको मिल जाएंगी। बाकी इन फोन्स में से किस फोन की वीडियो क्वालिटी आपको सबसे अच्छी लगी है ये आप मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा, और बताइए आपको कि पोको एक्स थ्री प्रो का कैमरा कैसा लगा है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे जरूर लाइक और शेयर करें। चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप रेड सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन पर जरूर टैप कर दें ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ। पोको एक्स थ्री प्रो का रिव्यू भी बहुत जल्दी आ रहा है, सो स्टे ट्यून फॉर दोज वीडियोज एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय, स्टे सेफ एंड या सी यू सून।